महबूब अली कैसर साहब और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी सम्मानित बैठे। हमको ज्यादा उनके बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप तक अभी तक उनका शक्ल भी नहीं देखे होंगे, आपके गांव और पंचायत भी नहीं आए होंगे, लेकिन ये जूता सीने वाले का बेटा, गरीब का बेटा आपके घर घर जाकर के आपको पहचानने का काम करता है, एक एक पंचायत जानता है। आज सुख के घड़ी में, दुख के घड़ी में शिव चंद्र राम नेता नहीं बल्कि आपका बेटा बनकर के सेवा करने का काम करेगा। और चिराग पासवान जी तो हीरो ना है, पहले वो अभिनेता थे, सुनो बात, वो पहले हीरो है, एक फिल्म की है शायद। हम पहले क्रिकेटर थे, हम पहले क्रिकेट खेले, विराट कोहली मेरे अंडर खेले हुए, अंडर 15 दिल्ली से, अंडर 17, अंडर 19 हम दिल्ली की टीम से खेले, आईपीएल में भी थे, अंडर 19 इंडियन टीम में भी थे, वर्ल्ड कप जो हम लोग जीत के आए थे। तो हम लोग तो खेले हैं, हम लोग खिलाड़ी आज भी हैं, वो अभिनेता है, कलाकार है, कला अच्छा करते हैं, एक्टिंग अच्छा करते हैं, लेकिन हम लोग अपने खेल में माहिर लोग हैं, समझे। खिलाड़ी लोग तो मेंटली और फिजिकली दोनों टफ रहते हैं, लेकिन आपको ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं कहना। उनके पिताजी सबसे पहले जब हम राजनीति में आए थे तो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथी उस समय हम लोगों के गठबंधन में थे, 2010 की बात बता रहे हैं। और सबसे पहले चुनाव प्रचार हम और वो साथ साथ मिलकर करते थे, वो तो हमारा घर का रिश्ता था। लेकिन रामविलास जी सामाजिक न्याय के नेता थे, संविधान को मानते थे, आरक्षण की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन चिराग पासवान जी 100 दिन भी जमुई के सांसद रहे, 10 साल से 100 दिन भी जमुई में नहीं रहे, और 10 साल तक जो सांसद रहा हूं इसका एक दफ्तर भी जमुई में नहीं है, एक दफ्तर भी नहीं खुला जमुई में। खैर वो अलग बात है, लेकिन देखिए पैसा नहीं है इनके पास, ये जनबल वाले आदमी, उधर खर्चा हो सकता है लेकिन रख लेना भाई, लेकिन वोट इनको दे दो। तो चुपचाप महुआ की जनता तेजस्वी को ताकत देगी कि नहीं देगी? अरे हाथ उठा के बताओ, देगी कि नहीं देगी? तो चुपचाप चुपचाप तो विजय का माला पहना दे। अपील है कि हेलीपैड से दूरी बना के रखिए, वरना हमारे ऊपर केस हो जाएगा। तो इसलिए हेलीपैड से सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, आम आवाम से अपील है कि हम पर और पायलट पर केस हो जाएगा। और अभी चुनाव प्रचार करना है कि नहीं करना है, तो अनुशासन में रहते हुए कोई जो हेलीपैड के अंदर ना आए। रास्ता क्लियर करो, उधर नहीं जाए, हेलीपैड की तरफ नहीं जाए।
चुनावी सभा में आए हुए सम्मानित तेजस्वी जी, सम्मानित मुकेश सहनी जी, प्रत्याशी शिवचंद्र राम जी विधायक जी और तमाम बैठे हुए सम्मानित नेतागण और हमारे सामने बैठे हुए जनता, हमारे जो सब वोट देते हैं सबसे अहम आप लोग हैं। दोस्तों समय बहुत कम है और आप लोग बहुत देर से सब तरह की बात सुन रहे हैं, किस तरह मोदी जी का गारंटी हुआ और किस तरह से उन्होंने एक एक गारंटी को ठुकराया। हम और ये भी आपने सुना कि तेजस्वी जी ने सिर्फ 17 महीना में किस तरह 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया और 3 लाख नौकरी और पाइपलाइन में है। हम सिर्फ अपनी बात 2 मिनट में रखना चाहते हैं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जनता का आवाज है, आप बताइए। देश का जनता जो है वो मालिक है, आपके वोट से ही देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। आप विधायक सांसद बनाते हैं तो पैसे के दम पर उसको खरीद लेगा, तो कहीं ना कहीं आपका अपमान है कि नहीं है? चिराग जी कहते हैं कि संविधान खत्म कहाँ हो रहा है। अरे भाई, क्या आप पट्टी बंधा हुआ है?